खर्च की इजाजत नहीं है। आपने जितनों को पहनाया मेरे बाप भी जितनों को पहनाएंगे, आप पहनाने वाले जिम्मेदार है, पहनने वाले जिम्मेदार है। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इसका बोझ मैं यहाँ उठाऊं और उसका जवाब मैं वहां दूं। मेरे अंदर इतनी ताकत, कमजोर आदमी हूँ, कमजोर आदमी हूँ। मैं यहाँ इसका बोझ उठा सकता हूँ ना वहां उसका जवाब दे सकता हूँ, इसलिए इसको मजार शरीफ पे ले जाके डाल दें। जब तक ये मजार शरीफ पे रहेगा आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। इसको ले जाएं, ले जाकर मजार शरीफ पे डाल दें। और आइंदा कम से कम मेरे लिए, मैं अपनी तई से बात कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना बड़ा मजार न लाया करें। एक गुलाब का फूल या छोटा सा हार मैं उसको कबूल कर लूंगा। लेकिन ये फिर मैं बार बार कह चुका हूँ, जिस कौम की बेटियां गुर्बत की वजह से बगैर शादी के घरों में पड़ी है, सिस्कियां ले रही है, लॉजों में बिक रही है, सिग्नलों पे भीख मांग रही है, कई भूखे मुसलमान कहां कहां बस्तियों में सोते हैं, आपके इमामों के बच्चों को स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है और आप लोग हमें इतना महंगा हार पहनाते हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये पैसे बचाकर किसी मस्जिद के इमाम के बच्चे की फीस स्कूल की भरा करें, किसी बेवा के सर पे चादर डाला करें। ये है, ये हार पहनकर अमीनुल कादरी ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर आपको बुरा लगे तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं इसको कबूल नहीं करता। आपने साहब मां सिद्दीक साहब ने कहा तो मैंने इसको कबूल कर लिया। आइंदा के लिए एक गुलाब का, सुनियों का है ना मिजाज है, रस्म है, मैं रस्म नहीं तोड़ना चाहता, मैं इसकी मुखालफत करना चाहता हूँ। एक फूल पेश कर दिया करें, मेरे लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।